ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਕਪਾਲ ਲਾਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਿਮੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ देखो जी असी दफ्तर का उद्घाटन खोलिया एक स्लंप इलाका है स्लंप आबादी होने के कारण इतने जोड़े लोग रेंदे ने वो घट पढ़ लिखे हैं उन्होंने सरकार के घरों जड़िया सहूलत आदि उन्होंने बारे घट नॉलेज होंगी है इस करके दफ्तर खोलिया कि जे किसी लो बंदे इतों के किसी इलाका निवासी कोई भी दुख तकलीफ है किसी भी सरकारी अदारे उन्हों का कोई काम रुकता जो समझ नहीं आती तो वो साढ़े दफ्तर आके 24 घंटे इतने मुंडा बैठेगा 12 घंटे ड्यूटी देगा 12 घंटे फोन पर होएगा किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ हो आके साढ़े दफ्तर की बैल खड़का सकता बिल्कुल जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जी जिनी देर तक देश का नागरिक जागरूक नहीं होंगे उन्नी देर तक साडा देश तरक्की नहीं कर सकता इस करके इस दफ्तर के विचों जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और लोगों को दसया जाएगा कि जेडे ये हक है जिहड़ियां सरकारी फैसिलिटियां तुहाडे हक है ये कोई खरात नहीं तुसीं मंगण दे ना किसे को कोई भीख मंगण दे जी ये तुहाडा हक है ये तुहानूं मिलना ही चाहिए मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घरों से बाहर निकलो अपने हकों की लड़ाई लड़ो अपने जोड़े हक है वो ना छोड़ो संघर्ष करो क्योंकि संघर्ष के नाल ही जित होंदी है इस करके असीं ते अपना एक हाथ बधाया और हाथ नूं हाथ हुंदा तुसीं भी एक हाथ गांह करो तो आओ दफ्तर विच खुल के आ के अपनी समस्याओं दसो ता कि असीं तुहाडियां समस्याओं दूर कर सकीए हाँ जी मेरा नाम सुरेश राजपूत आल इंडिया हिंदू संघर्ष कमेटी के वाइस चेयरमैन है देखो जी जो दफ्तर अहीं खोलिया इहदे च अहीं दिन रात मेहनत करांगे जिथों ज़्यादा तो ज़्यादा अहीं फैसिलिटियां बंदियां नूं दवा सकते हैं वो दवावांगे हाँ जी जो अहीं उद्घाटन किया है हुण जो भी स्लम एरिए अहीं किया है कि हाँ इत्थे दे बंदे थोड़े बेचारे पढ़े लिखे नहीं गए तो जो भी इन्हां नूं सुविधावां मिलनियां उहदे वास्ते अहीं इन्हां नूं पूरे साडे सचिन मेहरा जी साडे राष्ट्रीय प्रधान ते साडे राष्ट्रीय संयोजक जैकपाल लाली जी साडे बतौर गैसट आए है मैं सचिन मेहरा ऑल इंडिया हिंदू संघर्ष कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अमृतसर दे विच सुरेश राजपूत जी जो कि ऑल इंडिया हिंदू संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव ने उन्होंने पीपल वाला शिवाला दे कोल अज असी इत्थे सब ऑफिस खोलिया असी इस तरह ऑल इंडिया हिंदू संघर्ष कमेटी की कई इलाकों कई शहरों से शाखावां खोलन जा रहे हैं साडा मेन मकसद यही है कि भी एक हिंदू तत्व नूं जगाना हिंदू तत्व नूं मजबूत करना ते जिहड़े स्लम एरिए ने उन्हां दे विच लोकां नूं जिहड़ी मुश्किलां आउंदियां पढ़े लिखे घट हुंदे ने सरकार दियां जिहड़ियां फैसिलिटीज़ हुंदियां उन्हां तक नहीं पहुँच पाउंदी तो उन्हां नूं ओह सारियां जिहड़े सरकार वल्लों जो दित्ता जा रिहा जो ओह असीं उन्हां नूं सारियां स्कीमां दवानियां काफ़ी तरह दियां लोकां नूं मुश्किलां देखण नूं मिलदियां किस तरह दी तुहाडी कोई थ्योरी दे विच कोई आइडिया हैगा कि लोकां दियां इस प्रकार दियां जिहड़ियां मुश्किलां देखो जी अक्सर इहनां इलाकिआं जे पता लगदा जिस तरह देखो पिछे सरकार ने किन्नियां फैसिलिटीज़ दित्तियां कि लोगों दियां ज छत्तां जिहड़ी लकड़ दियां सी उहनां नूं पैसे मिलदे सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
इस इलाके दे विच लोकां दीआं समस्यावां नूं लै के असी बड़ा ही इन्हां शुक्रगुजार हाँ कि इन्हां ने यह इलाका ही चुनिया, क्योंकि यह एक इलाका स्लम एरिया ते इत्थे लोकां नूं बहुत जरूरी है कि कोई सही बंदा उन्हां दे काम करवाउण लई उत्थे आ सके। जय श्री राम जी, मैं ऑल इंडिया हिंदू संघर्ष कमेटी की संगठन मंत्री। अज पहला तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन मेहरा जी की बहुत धन्यवादी हाँ, जेडे न जिन्हों ने सचिन मेहरा और जगपाल लाली जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, जिन्होंने सुरेश राजपूत जी का साथ दे के एक असलीम इलाके के विच ऑफिस खोलिया और इत्थे एक हर एक लेडीज़ की और जेंट्स की हर एक दी मांग पूरी की जाएगी। उन्हें जो भी तकलीफ है यह नहीं कि इत्थे दफ्तर च आन, उस तो बाद अगर साड़ी लोड़ पेगी असी उन्हां दे घर भी जावांगे, जिथे नाल जाण दी जरूरत पेगी असी उन्हां दे नाल जावांगे और उन्हां दी हर सुनवाई होएगी। जो सरकार वालों जड़ियां भी जो भी सरकार वालों सहूलतां मिल रही जिन्हां नूं नहीं मिलियां उन्होंने असी नाल जा के दवावांगे। और मेरी इलाका वासियों नूं भी यह बेनती है कि अगर एक हाथ तुहाडे नाल जुड़िया तुसी कंधे दे नाल कंधा मिलाओ तो उन्होंने आके अपनी तकलीफां दसो तो वो तुहाडा साथ पूरा देणगे। जय श्री राम। ये जी दफ्तर खुलिया प्रकाश विहार पिपल वाले शिवाले के लागे इन्होंने खोलिया, सुरेश राजपूत जी ने खोलिया और इत्थे जगपाल लाली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन मेहरा जी और इन्हां दी जिहड़ी भी टीम है सारी इत्थे आएगी, जिन्हों भी जिथों तक संजोग देने की जरूरत पेगी असी सारे देवांगे। जय श्री राम।